एक टाइम ऐसा आ गया था कि शायद उनको ज़्यादा हम लोग सोचते नहीं थे और सोचते थे कि चलो उनको दूर ही छोड़ देते हैं अपने हाल पे, क्योंकि तो कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे लगता है जैसे पत्थर पे आप सर फोड़ रहे हो ना, ज़्यादा सिखा नहीं सकते थे बिकॉज अभी उम्र में भी बड़े हैं। ऐसा कुछ किया था जो उन पर केस भी हो गया था बिग बॉस में, पुलिस आई थी, उस बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। अब पता नहीं अब एग्जैक्टली कौन सा वाला केस था, बट सुना उनसे तो बहुत सारी कहानियाँ सुनी है, एंड आई थिंक कुछ थप्पड़ वाला केस भी था उनका। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी उनकी विच काफ़ी मिर्च मसाला लगा के बहुत एक्स्ट्रा उन्होंने हमें कहानियाँ सुनाई हैं, बट हम ज़्यादातर उनकी बातों को नज़रअंदाज करते थे। एंड एक टाइम ऐसा आ गया था कि शायद उनको ज़्यादा हम लोग सोचते नहीं थे और सोचते थे कि चलो उनको दूर ही छोड़ देते हैं अपने हाल पे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे लगता है जैसे पत्थर पे आप सर फोड़ रहे हो ना, ज़्यादा सिखा नहीं सकते थे बिकॉज अभी उम्र में भी बड़े हैं, कितनी बार उनको बोले, दूसरे लोग गालियाँ दे रहे हैं, मार रहे हैं, सो यू कांट डू मच। एक आई थिंक पहले तो बहुत कहा जाता था कि ये स्क्रिप्टेड है, बट स्क्रिप्टेड नहीं, अब रिग्ड है कि नहीं, अब मुझे मेरा ये कहना भी थोड़ा गलत होगा, बट जिसको जो समझना है वो ज़्यादा स्मार्ट है। जो क्राइटेरिया मेरे निकलने का था वो बहुत अलग था, बिकॉज ये सुन के मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज था कि 50% वोट्स और 50% कंटेंट, और जबकि वोटिंग में काफ़ी आगे चल रहा था जहाँ तक न्यूज़ वगैरह सब ने, सोशल मीडिया ने जितना कहा, थोड़ा सरप्राइजिंग था। आई वॉज वेरी हैप्पी टू कम बैक बिकॉज निशा का बर्थडे था, बट कहीं ना कहीं डिसहार्टन इसलिए था क्योंकि माय फैंस वर वेरी डिसहार्टन। एक सिचुएशन देखा था जहाँ आप रो दिए थे अपने वाइफ की फोटो को डिस्ट्रॉय करके, कट करके, व्हाट वाज दैट मोमेंट? आई थिंक सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ थी जब निशा की फ़ोटो श्रेड करनी पड़ी मुझे रोहन को बचाने के लिए। आई थिंक उसकी अहमियत उनसे ज़्यादा या मेरे से ज़्यादा कोई और समझ नहीं सकता, एंड आई डोंट वॉन्ट एनीबडी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, बट वो करनी ज़रूरी थी चीज़, क्योंकि रोहन को बचाना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। सो दैट वाज द टफेस्ट थिंग दैट आई डिड इन द हाउस। आप क्या कहना चाहेंगी, आपकी एनिवर्सरी है आज, फोर्थ एनिवर्सरी। मैं बहुत खुश हूँ कि एनिवर्सरी हो गया आपके साथ में, ये मेरे लिए बड़ी और अच्छी बात हो ही नहीं सकती थी, और आज जो सरप्राइज भी इनके लिए अनवेल करने वाले हैं वो मैं इनको बिग बॉस के घर पे भेजने वाली थी, बट अब वो बाहर आ चुके हैं, तो मैंने कुछ आप लोगों को इन्वाइट किया जाए, कुछ दोस्तों को बुलाया जाए और एक छोटा सा सरप्राइज। इनसे जो बिग बॉस इन हाउस में जो झगड़ा हुए थे, आपको कितना गुस्सा आता था देख देख के, किस पे सबसे ज़्यादा? जो भी करण के बारे में गलत, अंदर से मेरा ब्लड बॉइल होने लगता था डेफिनेटली। सबसे ज़्यादा गुस्सा वैसे मुझे मन्नू पे आता है, क्योंकि वो बहुत ही लाउड माउथ है, बड़ों के बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते, मनवीर और मन्नू दोनों लड़कियों से कैसे पेश आते हैं वो उन्हें बिल्कुल नहीं पता है, तो बहुत गुस्सा आता था। एंड करण एग्जैक्टली उनके कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर हैं, तो हमेशा रोज़ सोचती थी 10:30 को कि अब करण दिखेगा, क्या कर रहा होगा आज, रात क्या होगा। सो इट वॉज डेफिनेटली एक्साइटेड। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो